नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। तो बैंगलोर के होम मैचेस फिनिश हो चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ सीधा कोलकाता के लिए। हालांकि थोड़ी सी निराशा हुई, सोचा था कि इस बार आरसीबी को जीतते हुए देखूंगा। तीन मैचेस हुए यहाँ पे होम के और उसमें से मात्र एक जीत पाई। लेकिन जब इसके लिए जब मैं एनालाइज कर रहा था, हालांकि आपको बता दूं ये आपका एयरपोर्ट है और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। और जो लोग इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही वीडियोज़ एनालिसिस करता रहूँगा आप लोग के लिए पूरे आईपीएल में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कल जब मैं एनालाइज कर रहा था कल, तो मुझे एक चीज़ दिखी जो आरसीबी जो है आपको नहीं बताना चाहती है, या आप लोग शायद उस पर ध्यान नहीं देते हो। आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच हुए और उसमें सिर्फ एक ही बॉलर जो था जिसकी 5 की इकनॉमी थी, जिसने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए और एक विकेट लिए, उसको आरसीबी ने एलएसजी के खिलाया ही नहीं उसको। मतलब एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आप उसको ले सकते थे, वो बॉलिंग करता उसके बाद लॉम्ब्रो आके बैटिंग करता, लेकिन आपने उसको खिलाया नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैशाख की। मतलब आरसीबी सोच चुकी है कि भाई हमको जितना ही नहीं है, मैं नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। उन्होंने क्या किया, बोले कि आप इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर सकते हो, आप बैठो दूसरे मैच में। बस उनको बैठा दिया गया, आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं सकते हो, आपकी इकनॉमी इतनी अच्छी होगी तो आपको खेलने नहीं मिलेगा, आपकी इकनॉमी 9-10 होनी चाहिए। जब देखिए जब सिराज जब इंडिया के लिए जब बॉलिंग करते तो वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी इकनॉमी है, लेकिन जब वो आरसीबी के साथ खेलते देखिए उनकी बॉलिंग 9 से ऊपर रहती है। क्यों रहती है? बस इसीलिए वो टीम चाहती नहीं है, आरसीबी टीम चाहती नहीं है कि कोई भी बॉलर की इकनॉमी अगर 9 से कम है तो हो सकता है उसको बैठा, हो सकता है अब मैक्सवेल बैठेंगे बिकॉज उन्होंने 2 विकेट ले लिया, तो हो सकता है अब नेक्स्ट मैच में मैक्सवेल बैठेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ मैक्सवेल बैठने वाले, बिकॉज उन्होंने 2 विकेट भी लिया, इकनॉमी भी अच्छी थी उनकी। और सेम चीज़ होती है जब उनके बैटर्स आते हैं बैटिंग के लिए, आपने अगर एक मैच में अगर अच्छी बैटिंग कर ली तो भैया आपका फत्ता कट होने वाला, आप फिर नहीं खेल पाओगे। आप देखो पटीदार की बैटिंग 22 बॉल में 12 रन बना रहा है, फिर भी टीम में है ना। तो ये है आरसीबी की असली कहानी जो आप लोग देख नहीं रहे हो, या आरसीबी बता नहीं रही आपको, या आप लोग इमोशन में बह जा रहे हो। तो ये होता है कि अगर आपकी इकनॉमी आपकी एवरेज ज़्यादा है और एवरेज आपकी कम है, इकनॉमी आपकी ज़्यादा है बैटिंग में, तब आपको खेलने मिलेगा। अगर आपकी बैटिंग में अगर आपकी स्ट्राइक रेट 100 है 120 है तो आप खेल लोगे। डीके बस इसलिए खेल ले रहा भाई क्योंकि उनका लास्ट ईयर है, खेलने दो बेचारे को, उसके बाद तो फिर वो खेल पाएंगे नहीं। तो भाई बोला चलो भाई खेल लो यार, लास्ट ईयर है, मारो जितना मार सकते हो। तो और उसके बाद सिर्फ एक विराट कोहली, भाई विराट कोहली का नाम है इसलिए भाई खेल लो। आप ब्लफिंग देखो कितना बड़ा स्कैम हुआ है आरसीबी के साथ, स्कैम नहीं बोलूँगा, मतलब ये आरसीबी का मतलब है क्राइटेरिया है, अगर आपको आरसीबी में खेलना है तो आपको एवरेज से कम रन बनाने पड़ेंगे, स्ट्राइक रेट कम रखना पड़ेगा। फाफ को देखो वही कर रहा है, मैक्सवेल को देखो वही कर रहा है, रजत पाटीदार को देखो वही कर रहा है, अनुज रावत ने पहले गेम में अच्छा खेला फिर उसको धमकी मिली, भैया तुम अच्छा नहीं खेल सकते, जहाँ अच्छा खेले तो तुमको फिर नेक्स्ट मैच में बैठा दिया जाएगा। बस फिर क्या था, अनुज रावत फिर अच्छा नहीं खेल रहे, यही हो रहा है। आप देख लो, आप एनालिसिस करके देख लो क्या हो रहा है। तो ये मेरी एनालिसिस थी, आपको ऐसा लगा आपको ये एनालिसिस, अगर आपको भी यही लगता है कि ऐसा हो रहा है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स डायनामिक्स।